देखो जी, ये तो जो कांग्रेस फुट की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी के वर्करों में कभी कोई फुट नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। ये कुछ सियासी लीडर होते हैं जिनको आप आमतौर पे दल बदलू कह सकते हैं, अवसरवादी। अवसरवादी। वो क्या करते हैं कि हाँ भी अगर हमें एक पार्टी से होता नहीं मिला, हम 20 लोगों को लेके शामिल होते हैं, वो कहते हैं सैकड़ों परिवार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के अकाली दल में शामिल हो गया, सैकड़ों परिवार की इतनी वोटें हो गई, फिर तो इनको घर घर से चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है, इनकी सरकार तो परमानेंट पंजाब में बस जाएगी। ये सब झूठ है। ये अपने 20 बंदों को खड़ा कर उनके सरोपा डालते हैं और कहते हैं कि हाँ भी सैकड़ों परिवार हमने शामिल किया, जबकि आज के टाइम में जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह एक शेर है वो पंजाब के, वो आए हैं, लोग तो अकाली दल छोड़कर भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ तो देख भी नहीं रहे, वो तो कांग्रेस में ज्वाइन। हम लोगों से रोज लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमें यार आप कांग्रेस पार्टी से जोड़ दो। हम कहते हैं आप हमारी कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर हो, हमसे कोई दूर नहीं। जैसे डॉक्टर साहब, आप जो पूर्व विधायक अरविंद खन्ना है संगरूर से जो रहे हैं, उनके करीबी रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, तो क्या कारण रहा ऐसे? अब चीजें वो बार कैप्टन साहब के नजदीकी हैं, आपके हैं, द्वारा कैप्टन साहब आ गए हैं, तो क्या आप चुने हुए? देखिए जी, जो अरविंद खन्ना जी है वो मेरे गुरु जी हैं और वो ही गुरु रहेंगे। वो एक बिजनेसमैन भी हैं, वो इनको आप एक लीडर कम बिजनेसमैन ज़्यादा गिन सकते हो। उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग शरारती तत्व कैप्टन साहब के ऊपर बयानबाजी करने लग गए थे कि अरविंद खन्ना जी ने कैप्टन साहब को हाईजैक कर लिया, ऐसा कोई मैटर नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस खराब होता हुआ देख के सिर्फ विधायकी से इस्तीफा दिया है, अन्यथा आज भी वो ऑल इंडिया कांग्रेस के मेंबर है और बहुत ही जल्दी वो कांग्रेस पार्टी के ऐसी मजबूत बाजू बनेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बाजू बनेंगे कि पंजाब में एक बार फिर से सबको पता लग जाएगा कि अरविंद खन्ना जी इज बैक। ठीक, क्या एक लास्ट सवाल है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये युवाओं के प्रति तो मेरा यही संदेश है, संदेश क्या, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी आप सभी युवाओं के, कि सबसे पहले तो नशा त्यागे, और जो इस पंजाब में अब भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला उसका कारण कौन है? सिर्फ अगर युवा, जितने युवा हमारे पंजाब में अपनी पीठ कस लेना तो पंजाब में नशा तो क्या, यह काली भाजपा की सरकार को 2 दिनों में हवा कर देंगे। यही मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले नशा त्यागे, बेरोजगारी की ओर ध्यान दें कि हाँ भी इसको कैसे खत्म किया जा सके। धन्यवाद आपका श्री जी, आप आए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।